बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ बेसन की रोटी और उसके साथ एक बहुत ही स्पेशल चटनी जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आइए बग़ैर किसी इंतज़ार के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल चक्की का आटा है जिससे हम लोग रोटी गूंथते हैं, मवाला आटा लेंगे 1 कप, 3 कप बेसन लेंगे, 1 कप आटा और 3 कप बेसन लिए मैंने। अब मैं इसमें 1 चुटकी अजवाइन डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 मैंने धनिया लिया था, 1/2 पुदीना लिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरह ऑमलेट की तरह काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़े थोड़े पानी से अपना आटा गूंद लेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो फिर आटा एक साथ बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। आटा हमारा गुन गया है, अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दूंगी, जब तक हम अपनी स्पेशल चटनी बना लेते हैं। अपनी स्पेशल चटनी के लिए गोल वाली मिर्चें ली हैं, ये 25 हैं, 1 पूरा लहसुन ले लिया था साबुत, 1/2 टीस्पून नमक डाल दूंगी और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डाल दूंगी। 1/4 कप पानी लेंगे, इसमें से मैं पहले थोड़ा सा डालूंगी, 1/2 पानी डाला है मैंने, 1/4 कप का भी 1/2, अगर ज़रूरत होगी तो मैं फिर और डाल लूँगी। एक टेबल स्पून पानी और डालूँगी, पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालिएगा, नहीं तो चटनी बहुत पतली हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। चटनी के तड़के के लिए हम सबसे पहले 1/4 कप ऑयल ले लेंगे, 2 लहसुन के जवे लिए थे मैंने वो डाल देंगे इसमें। इसमें हो गए हैं, अब हम आटा लेंगे अपना, जितनी भी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस साइज का आटा ले लें, उसको इस तरह लेके और ये पेड़ा बना लेंगे इसको। हाँ, ये देखेंगे हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है, हम इसी तरह और पेड़े तैयार कर लेंगे, इस तरह इसको पेल लेंगे, अगर ज़रूरत होगी थोड़ी थोड़ी खुश्की लगाते रहेंगे। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह करके, रोटी बिल गई हमारी, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। अगर घी लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो फिर नहीं लगाएं, तो इतना ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे घी लगाना, और बग़ैर घी के भी रोटी ये खा सकते हैं। जो लोग वेट कॉन्शियस है वो घी मत लगाएं, बग़ैर घी के रोटी खा लें। एक रोटी तैयार है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। बेसन की रोटी और स्पेशल चटनी हमारी तैयार है। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं रेसिपी ट्राई करी तो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।